नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ हेल्दी फूड लेकर आई हूँ जो आपको और आपके पूरे परिवार की सेहत को ठीक रखेगा और इस बीमारी से होने वाली कमजोरी से आप उबरने में आपकी मदद करेगा और आपकी भूख बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री में हमें चाहिए 1 कटोरी टमाटर, 1 कटोरी दलिया और 1 कटोरी में हमें चाहिए आधी मूंग की दाल और आधी राहर की दाल। हम घी में जीरा, लहसुन, काली मिर्च और लौंग डालकर अच्छी तरह भून लेंगे और इसे जब तक भूनेंगे जब तक हमारा लहसुन गुलाबी ना हो जाए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह मैश ना हो जाए। और आपको तो पता ही है, टमाटर डालने के बाद हमें नमक डालना पड़ता है ताकि टमाटर बहुत अच्छे से पक जाए। अब हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर हमारा अच्छे से पक ना जाए। मैं अपने किचन में स्टील के बर्तनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, इसलिए मैंने कुकर भी स्टील का खरीदवाया है अपने पति देव से। हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें अपनी धुली हुई दालें डाल देंगे और अब हम इसमें अपनी दलिया डाल देंगे। इसे भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हम 1 कटोरी सामग्री में 6 कटोरी पानी के हिसाब से डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बने, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। हम कुकर को बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी ले लेंगे। ये देखिए, हमारी दलिया बनकर तैयार है। इसे परोसिए और स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खिलाइए।